नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस तरीके की समस्या आई हुई हो या आगे आने वाले समय में आए। हम बात करते हैं अकाउंट फ्रीजिंग को लेके। अकाउंट फ्रीजिंग आजकल के समय में एक ऐसी समस्या जिसमें हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। एक टाइम वह था जब हम अपना सारा पैसा इकट्ठा करके अपने अकाउंटों में रख रहे थे और गवर्नमेंट उसका टैक्स भी ले रही थी, लेकिन क्या गवर्नमेंट आपके अकाउंट को सिक्योर कर पा रही है? क्या आपके अकाउंट को सही टाइम पे अनफ्रीज किया जा सकता है, यानी वह अकाउंट जो कि बंद हो गया है उसको चालू किया जा सकता है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेके इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका अकाउंट बंद क्यों होता है और इसको चालू कैसे करवाया जाता है। अकाउंट बंद को लेकर आपके पास एक मैसेज आता है या बैंक वाले आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, और जब आप बैंक में जाके संपर्क करते हैं तो आपको पता लगता है मेरा अकाउंट बंद हुआ तेलंगाना की वजह से, तमिलनाडु की वजह से, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, आप जिस राज्य के निवासी हैं वहाँ के अलावा किसी और राज्य की वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ, क्योंकि आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट हुई, साइबर FIR हुई। साइबर FIR इसलिए हुई क्योंकि आपके अकाउंट में कोई पैसा आया और वो पैसा साइबर फ्रॉड का था, किसी के साथ क्राइम किया गया था और वो पैसा घूमते घूमते आपके अकाउंट में आ गया। अकाउंट में आ जाने की वजह से आपका अकाउंट बंद कर दिया गया। आप बैंक से जब संपर्क करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएं तो बैंक वाले भी कतराते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने में। अक्सर जब भी आपका अकाउंट बंद होता है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट 91102 का नोटिस भेजता है बैंक को और ये पूछता है कि इस व्यक्ति के अकाउंट में आया हुआ पैसा किस चीज़ का है और इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। 91CRPC एक सम्मन होता है टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। 102 डिपार्टमेंट को पावर देता है कि आपका अकाउंट बंद कर दिया जाए और जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको लीन रख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इन सारी समस्याओं से बचे कैसे, आपका पैसा वापस कैसे आए। सबसे पहले तो आपको बैंक में जाके संपर्क करना है और आपको ये पता करना है कि हमारे अकाउंट पर क्या कंप्लेंट है और इस कंप्लेंट का कंप्लेंट नंबर क्या है, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं, और सारी डिटेल्स बैंक से निकलवानी है। उसके बाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, जब आप पता लगा लेते हैं बैंक से कि ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है और इसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो वहाँ आपको मेल करना होता है उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे और ये इनोसेंस साबित करनी होती है, बताना होता है कि हमने किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं किया है। जैसे ही आप मेल करते हैं विद इन 7 days उनका रिप्लाई आता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पर्सनली जाके भी वहाँ विजिट करना पड़ सकता है। जब आप अपना इनोसेंस यानी कि अपने सबूत पेश कर देते हैं कि हमने किसी भी तरीके का कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं किया है, तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जहां का भी है, जहां भी आपने मेल किया है या जहां भी आपने विजिट किया है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है यानी NOC देता है बैंक को, और बैंक NOC को वेरीफाई करके आपके अकाउंट को अनफ्रीज करती है। ये है सारी प्रक्रिया बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।